आप देख रहे हैं लाइव आज, हर खबर आप तक। चांदपुर पुलिस और स्वाट टीम ने मुठभेड़ के दौरान अंतर्राज्यीय वाहन चोर गैंग के दो सदस्यों को गिरफ्तार किया, जिनके पास से चोरी की गई चार मोटरसाइकिल सहित व दो कार लग्जरी बरामद हुई। शातिर चोरों का संबंधित धाराओं में केस दर्ज करते हुए पुलिस ने चालान कर दिया। हम आपको बताते चले कि जनपद बिजनौर में शनिवार को पुलिस अधीक्षक डॉक्टर धर्मवीर सिंह ने प्रेस वार्ता करते हुए वाहन चोरों के पकड़े जाने का खुलासा करते हुए बताया कि चांदपुर पुलिस और स्वाट टीम ने मुखबिर की सूचना पर शुक्रवार की रात को हरदौर रोड स्थित मंडी समिति के पीछे एक खंडार में छापेमारी की, जहां मुठभेड़ के दौरान वाहन चोर गैंग के दो सदस्य कामिल पुत्र शाहिद निवासी मोहल्ला पीरजादगान थाना बिछराइन जनपद अमरोहा और शुएब पुत्र जमीर अहमद निवासी मोहल्ला काजीजादगान थाना चांदपुर को गिरफ्तार किया, जिनके पास से चार मोटरसाइकिल और दो कार लग्जरी बरामद की गई है। पुलिस ने दोनों शातिर चोरों का चालान कर जेल भेज दिया। आज न्यूज चैनल ने जनपद बिजनौर चांदपुर से रिपोर्टर सलीम अहमद की खास रिपोर्ट। अंतरप्रांतीय वाहन चोरों का गैंग स्वाट टीम और चांदपुर पुलिस ने संयुक्त रूप से कार्रवाई करते हुए गिरफ्तारी किया है। दो अभियुक्त कामिल और स्वे गिरफ्तार किया गया है। इसमें से एक अमरोहा जनपद का और एक चांदपुर जनपद बिजनौर का रहने वाला है। इनके कब्जे से दो फोर व्हीलर जिसमें होंडा सिटी सेंट्रो कार और चार टू व्हीलर जिसमें हाई स्पीड की गाड़ियाँ हैं। इन्होंने दिल्ली एवं आसपास के जनपदों से चोरी करना बताया गया है। इनके खिलाफ अभियोग, एक के खिलाफ 15, दूसरे के खिलाफ 5 अभियोग पंजीकृत हैं। इस शातिर किस्म के नोटोरियस अपराधी हैं। इनको गिरफ्तार करके जेल भेजा जा रहा है। PCR पर लेकर के इनके अन्य साथियों की एवं अन्य वाहनों की बरामदगी के प्रयास किए जाएंगे। गिरफ्तार करने वाली एवं बरामद करने वाली पुलिस टीम को 10,000 रुपये का नकद पुरस्कार दिया जाएगा।